मम्मी को बर्फी सी ले गई है जो कल भी मो फोटो खींचना हुआ को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस मैं अभी नहा के आया था और भाई आज तो कते दिमाग खराब। भाई भाई इतना बेकार पानी था आज। मतलब मैं नहाने गया भाई, इससे बढ़िया तो नहाता नहीं वो बढ़िया रहता। भाई टंकी में इतना गंदा पानी आ रहा है भाई, मेरे को देखो पानी के नाम से भी ऐसे हाथ से कांपने लगे। भाई इतना बेकार पानी था, पता नहीं वो रेत का सा आ रहा था, पता नहीं कैसा था। क्योंकि ना अब हमारे ना वो लग रही है समर सीवर वाली लाइन, जो मतलब गवर्नमेंट वाली रहती है ना, पाइप रहते हैं पाइपों में से लेते पानी मोटर से, तो भाई वो हमारी लाइन थी। और भाई इतना गंदा पानी आ रहा, मतलब पानी में साफ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, रेत रेत सा दिख रहा है ना, तो वो साफ ही पानी ना वो गंदा ही पानी। और भाई उससे नहा के आया, बहुत बेकार नहाना हो गया भाई। मतलब नहाने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, इससे बढ़िया तो मैं नहाता ही नहीं, वो ही बढ़िया रहता। भाई आज हमारी मम्मी ने बनाई है अमेजिंग सी डिश, इसको खाते हैं। और भाई मेरे को तो बहुत टेस्टी लग रही, देखो आपको खा के दिखाता हूँ। देखो भाई मेरे को तो भाई बहुत अच्छी लग रही है, और डिश का नाम मेरे को नहीं पता है क्या है। भाई आप भी कमेंट करके लिख के बताना है क्या चीज़ है। और भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, इसको खाते हैं। भाई मेरे को तो एक नंबर लग रही है, इसमें ना बोला बोला काजू बादाम किशमिश सब डाल रखे हैं। वैसे भाई ड्राई फ्रूट से फुल लोडेड है, इसको खा के तो मजे आ गए कभी। भाई क्या आपकी मम्मी ऐसे मतलब ऐसे सामान बनाती है, जल्दी से कमेंट जरूर करना। हमारी मम्मी तो भाई से ऐसी हैं, सुबह तो लड़ लेती हैं, शाम को कुछ अच्छा से बना देती हैं। मतलब हमारी मम्मी ऐसे करती रहती है 24 घंटा, सुबह लड़ लेती है फिर शाम को कुछ अच्छा से बना देती है। और आपकी मम्मी भी ऐसी हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना, तो इसको खा लेते हैं। तो गाइस अब सुबह हो चुकी है, तो हम कुछ एक्सरसाइज करके आते हैं, चलते हैं बाहर। और मैंने साइकिल भी खड़ी कर ली है, तो चलते हैं बाहर और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आते हैं। तो साइकिल लेकर बाहर आ गए, देखो। और भाई देखो हमारे गांव का सारा रास्ता पक्का हो चुका हो, तो देखो सनसेट कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। भाई खेतों में आकर तो अलग ही वाइब्स आती हैं सुबह सुबह। और देखो भाई ये दोपहर को तो गर्मी पड़ती है और कोहल पड़ने लग रहा, देखो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत। और रास्ता भाई दूर दूर तक तो कोई नहीं है, सारा खाली पड़ा है। और भाई इतना मतलब इतना पक्का, मतलब पक्का तो नहीं है, ये बहुत चौरा रोड, बहुत साइड में से बहुत बाहर है। लेकिन भाई ऐसे रोड पे चलने में बहुत मजे आते हैं। पहले थोड़ी साइकिलिंग करते हैं, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। पहले साइकिलिंग कर लेते हैं थोड़ा टाइम, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो गाइज अब हमने एक्सरसाइज कर ली और मेरे को तो बहुत तेज पसीना आ रहा है। और भाई देखो मतलब सनसेट भी बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई देखो अब भी कोहल जमने लग रहा है। और एक्सरसाइज कर ली तो घर चलते हैं। और भाई एक्सरसाइज करके तो बहुत तेज पसीने आ रहे हैं, और मतलब शरीर भी बहुत तेज दुखने लगा, क्योंकि मैं कभी कभार करता हूँ ना एक्सरसाइज, तो इसलिए आज भाई बहुत शरीर दुख रहा है। तो जल्दी साइकिल को लेकर घर चलते, तो घर चलते हैं जल्दी सी।
तो गाइस आप घर पहुंच चुके हैं और भाई आपको एक चीज और दिखाता हूँ। हमने ना कल वो मिठाई बनाई थी तो वो और दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ मम्मी को आप बर्फी सी लेके आइए जो कल दी, वो फोटो खींचना हो आपको। तो गाइस मैंने बर्फियों का तो फोटो खींच लिया था और आपको एक चीज और दिखाऊं। भाई मैं वीडियो एडिट कर रहा था और टेस्ट टेस्ट के चक्कर में देखो क्या हुआ, भाई सारी बर्फी खा गया। और भाई अभी तो मम्मी और लड़ेंगी, ये कहेंगी मतलब तू सारी बर्फी तू खुद ही खा गया। और भाई मम्मी को तो अभी पता नहीं कि सारी बर्फी मैं ही खा गया, तो मम्मी से और पता करके आते। भाई मम्मी और लड़ेंगी मेरे से कि सारी बर्फी क्यों खा गया, क्योंकि तो अभी किसी ने खाई भी तो नहीं है ना। बस बहुत खाएगी, चल परेक जा कहने जा परेक जा, सुबह सुबह तो खोपरे मत खा, जा तू परेक जा। है वीडियो तो बनवा दे थोड़ी सी, बन गई बस वीडियो, जा आ थोड़ी सी वीडियो बनवा दे। और भाई मम्मी तो कुछ भूल ही नहीं, मम्मी ने कुछ वीडियो ही नहीं बनवाई। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ओके टाटा बाय बाय।